स्टैंडर्ड एक से लेके चार तक हम डिवीजन करते आए हैं, लेकिन जब हमें मल्टीपल क्या है ये पूछा जाता है तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब तक सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चंस और रिमाइंडर क्या है यही बताया गया है। तो आइए अब जानते हैं हम मल्टीपल क्या है। स्वागत है आपका अपनी चैनल बिनास एजू वर्ल्ड में। मल्टीपल यानी एक ऐसा नंबर जिसको डिवीजन करने पर रिमाइंडर जीरो आता हो। तो आइए दोस्तों इसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 33। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 3-डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी ऐसे दो नंबर लिख लेंगे पहले और फिर उसके पीछे एक इवन नंबर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पहले ले लिया है नंबर 38, उसके पीछे 0 लगा दिया। नंबर ले लिया है 24, उसके पीछे 2 लगा दिया। यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है 23, उसके पीछे 6 लगा दिया और 41 लेके उसके पीछे 4 लगा दिया और 15 लेके उसके पीछे 8 लगा दिया। तो है ना बहुत आसान ट्रिक 3-डिजिट नंबर बनाने की। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 3-डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे यूनिट प्लेस पे हमें या तो 5 या तो 0 लगाना होगा। तो मैंने यहाँ रेंडमली 52 नंबर ले लिया है और उसके पीछे मैंने लगा दिया नंबर 5। नंबर 43 ले लिया, उसके पीछे लगा दिया 5। 92 लेके उसके पीछे लगा दिया 0। 33 लगा दिया उसके पीछे 0 और 10 लेके उसके पीछे लगा दिया 0। अब आती है बारी मल्टीपल ऑफ 10 की। राइट 5 3-डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 10। इसमें क्या करना है, हमें कोई भी 2-डिजिट नंबर लेके उसके पीछे एक 0 लगा देना है। तो मैंने यहां ले लिया है नंबर 16, उसके पीछे लगा दिया 0। 48, उसके पीछे लगा दिया 0। 92, उसके पीछे लगा दिया 0। 330 एंड 110। तो ये थे हमारे मल्टीपल ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, हमें दो मल्टीपल दिए गए 2 एज वेल एज 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6। तो हमें जो नंबर मिला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर मिला है 6। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो 6 के टेबल में आते हो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर लेना है, ऐसा नहीं बोला है कि 1-डिजिट 2-डिजिट या 3-डिजिट, कोई भी नंबर चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी 6 के टेबल में आते हैं वो नंबर ले लेंगे। तो मैं यहां ले रही हूं, ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू एंड फोर्टी एट। आप कौन सा नंबर लेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। आइए आगे बढ़ते हम वर्ल्ड प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन 3, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, कैन वी कट इनटू अ 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट दिया है वो है क्वेश्चन, ये 3 मीटर जो हमें दिया है वो मीटर में दिया है और ये जो 50 दिया है वो जो पीसेस करने हैं वो सेंटीमीटर में करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 3 मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। सो यस वी कैन कट इनटू अ 50 सेंटीमीटर पीसेस। यस हम लोग 50 सेंटीमीटर पीसेस को हम लोग कट कर सकेंगे, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, तो 50 का ये 0 0 कट हो जाएगा, 5 6 30। एंड देयरफॉर एज अ 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 50 एंड देयरफॉर 300/50 इज इक्वल टू 6। आंसर यस वी विल गेट अ 6 पीसीस, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, हमें
सिक्स पीसेस कट करके मिल जाएंगे और रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए नथिंग इज लेफ्ट ओवर। और ये अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर की ओर। क्वेश्चन फोर है, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मैनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड। मुझे जितनी चाहिए लेंथ उससे ये कितना छोटा हो सकता है। तो मेरे पास 3 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब और मुझे 40 पीसेस चाहिए ऐसे, और वो 8 पीसेस रिबन चाहिए इसके लिए। तो मैं क्या करूँगी, 40 × 8 करके उसको 320 सेंटीमीटर कर दूँगी। ये जो 3 मीटर है उसको हमने पहले जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है वैसे ही कन्वर्ट किया है, बट द रिबन इज 3 मीटर इसलिए इसको 300 सेंटीमीटर ले लिया है रिबन। अभी यहाँ पे हमारा जो 8 पीसेस रिक्वायर्ड और 40 सेंटीमीटर है, तो 40 × 8 करेंगे तो 320 हो रहा है, लेकिन हमारे पास रिबन कितना है तो 300 सेंटीमीटर। सो रिबन इज शॉर्ट बाय 320 − 300 = 20 सेंटीमीटर। हमारे कितना कम हो रहा है रिबन, तो 20 सेंटीमीटर जितना रिबन हमारा कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इफ़ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिवाइडेड बाय गिवन डिवाइजर पुट राइट इन द बॉक्स। अगर वो डिविजिबल है तो राइट करना है, अगर नहीं है डिविजिबल तो हमें क्रॉस की साइन लगानी है। फॉर पहला ही हमें दिया है नंबर 15, तो नंबर 15 सिर्फ 5 से ही डिविजिबल है, 2 और 10 से नहीं है, एज हमने पहले भी डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखी है। नेक्स्ट नंबर है 30, तो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल है, 0 है इसलिए ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। नंबर 34 में हमें 4 जो है वो इवन नंबर दिया है इसलिए ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। बस सेम 46 भी ऐसे ही है, 6 इवन नंबर है इसलिए सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 5 और 10 से नहीं है। अभी नंबर जो 55 है यहाँ पे लास्ट एंड में 5 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से डिविजिबल है, 2 और 10 से नहीं है। 63 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ना तो ये इवन नंबर है, ना 5 है, ना 0 है, इसलिए ये 2, 5, 10 से डिविजिबल नहीं है। और नंबर 70 सबसे डिविजिबल, क्योंकि ये इवन नंबर भी है और 0 है, इसका मतलब ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। नंबर 84, तो 84 में जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है और 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।